नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल और आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो तक में। आज हम बात करेंगे, एक बहुत बड़ा योग आया है, उसमें मुश्किल से मुश्किल आपके काम बन जाएंगे, कोई भी काम जरूर बनेंगे गारंटी के साथ, क्योंकि गुरुवार को आया है गुरु पुष्य योग, हर काम सफल होगा। अब तक गुरु अस्त चल रहे थे, अब उदय हो गए हैं और गुरुवार को गुरु पुष्य योग है। ये गुरु पुष्य योग कैसे बनता है? ये एक तरह का राजयोग है और राजयोग भी है, क्योंकि गज केसरी राजयोग भी बन रहा है। दोनों योग आपके काम को सफल करेंगे। गुरु पुष्य योग कैसे बनता है? जब गुरुवार के दिन शनि का पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग बनता है, और जब चंद्रमा और गुरु आपस में केंद्र में आ जाते हैं, चंद्रमा से चौथे भाव में गुरु है, तो गज केसरी राजयोग बनता है। तो दो दो महायोग हैं जो आपके जीवन को सफल करेंगे। अच्छी नौकरी के लिए आप उपाय करेंगे, पहले अच्छी नौकरी के लिए उपाय करें, आपकी नौकरी बदल जाए या नौकरी अच्छी मिल जाए, क्या करेंगे? हल्दी डालकर स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं, मंदिर में हल्दी का दान करें, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करें या ट्राई करें, नौकरी पक्की लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी भी लग सकती है। लेकिन आप कहते हैं मैं तो नौकरी करता नहीं, मैं तो व्यापार करता हूँ, मैं व्यापार करूँगा, तो व्यापार भी आप कर सकते हैं। व्यापार शुरू करने के लिए ये जो गज केसरी राजयोग है और जो गुरु पुष्य योग है, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पर जो भी व्यापार आप शुरू करेंगे उसमें आपको भारी सफलता मिलेगी, बहुत बड़े सेठ साहूकार बन जाएंगे, आप नंबर वन व्यापारी बन जाएंगे, बहुत अच्छा योग है। तो क्या उपाय करेंगे? केले के पेड़ की पूजा करें और केले का दान करें, तो बस आपका जो है ना व्यापार बहुत चल निकलेगा। आप करके देखना और उसके बाद व्यापार में शुरू कर देना आप करना, बड़ा अच्छा मुहूर्त है व्यापार शुरू करने का। लेकिन मान लीजिए आपकी शादी में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, शादी नहीं हो पा रही, तो गुरु पुष्य योग में आप ट्राई करो ना, रिश्तों की बात करो, शादी होगी, बातचीत करो ना, बस उपाय कर लेना। शादी की बातचीत चलाने से पहले पीले वस्त्र पहनकर जाएं, अगर बातचीत करने जा रहे हैं तो पीले वस्त्र पहन के जाएं, और तो बस आपका काम बन जाएगा, क्योंकि बड़ा अच्छा संयोग है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। मान लीजिए आपके मन में हो कि मुझे तो जमीन जायदाद मकान लेना है, प्रॉपर्टी लेनी है, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो अपनी आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर बनेगी। तो क्या करना चाहिए? अगर गुरु पुष्य योग में है ना, और गज केसरी राजयोग भी है, आप उसकी शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? मान लीजिए आप जाके एडवांस दे दीजिए या बातचीत कर लीजिए, प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाइए, तो वो प्रॉपर्टी जिसके लिए आप बात करेंगे वो आपकी हो जाएगी, है ना। कम से कम 2001 रुपये तो एडवांस दे दें, 2001 तो कोई भी दे सकता है, एडवांस दे के आ जाए, वो प्रॉपर्टी आपकी ज़रूर हो जाएगी, बड़ा अच्छा संयोग बना है। तो आप उठाइए लाभ गुरु पुष्य योग का, गज केसरी राजयोग का, लेकिन मुझे दे इजाज़त। नमस्कार, राम राम।